कटिहार के LWC मैदान में जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, जहां प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, मंत्री मदन सहनी, विधायक लवली आनंद, विधायक विजय सिंह के अलावे कई और पूर्व सांसद एवं विधायक उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक सवाल के जवाब में माना कि सीमांचल के मुसलमानों ने नीतीश कुमार ने उनके काम के अनुसार वोट नहीं दिया, मगर उन्होंने उम्मीद जताया कि अब आगे अल्पसंख्यक समाज भी नीतीश कुमार के विकास नीति से प्रभावित होकर जरूर वोट देगा। क्या बीजेपी के साथ होने के कारण जदयू को मुस्लिम वोट नहीं करते हैं? इस सवाल पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विकास से अब अल्पसंख्यक समाज भी प्रभावित है और आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन सीमांचल में जदयू को कितना मजबूती देगी? है बिल्कुल मजबूती देगी, जहां पे आप देख रहे हैं कितना उफान है लोगों में और अभी बाय इलेक्शन भी हुआ, लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर सरकार बने और खास करके जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और यहाँ नीतीश कुमार, ये एक ड्रीम कॉम्बिनेशन है लोग सोचता है। और बिहार को इतना अभी मदद मिला पिछले बजट में, तो सबकी के मन में है कि बड़े मार्जिन से यहाँ एनडीए की सरकार फिर से दोबारा बिहार में। सर एक बड़ी चर्चा होती है अक्सर अल्पसंख्यक वोट के लिए, जो जदयू की तरफ काम के बाद भी कन्वर्ट नहीं, आपके कई बड़े नेता भी बोल चुके हैं, अब क्या देखते हैं सिनारियो, क्या आप देख रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार जी ने हमेशा 19 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि 19 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा, इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा। एक दिन लगा था नवादा में दिन भर के लिए, और 19 साल में उन्होंने सबके लिए काम किया। और हम तो अपील करेंगे कि जो नहीं भी दिए हैं एक बार भाई दे करके अपना, अगर लगा है कि नीतीश कुमार जी ने आपके लिए काम किया है, आपकी सेवा की है, ये अपना आत्मा तो गवाह देगा ना। तो इस बार कम से कम नीतीश कुमार जी के ऐसे लोग जो नहीं कभी वोट दिए, इस बार दे दीजिए वोट। ऐसा लग रहा है सर कि नहीं भी दिया है लोग, अब तो भाई नहीं दिया तभी ना विपक्ष को वोट मिलता सर, है सर। बीजेपी के कारण कुछ खटासा अल्पसंख्यकों के मन में, बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार भाई, वो तो जो काम किए बीजेपी तो साथ थी, बीजेपी तो साथ थी ना जब 2005 में, सुन लीजिए ना, जिनको वोट दिए जो भी लोग, उन्होंने क्या किया उनके लिए? भागलपुर दंगा कांड हुआ और न्याय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ थे तब दिलवाया, सच्चाई है ना सामने। और जो भी जो बिहार में बदलाव हुआ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में सरकार बनी, तो भाजपा तो साथ थी ना जब चेंज हुआ, और जो भी काम हुआ तो दोनों मिलकर किए ना, नेता नीतीश कुमार थे तो साथ। इसलिए हम जरूर कहेंगे कि भाई जो लोग नहीं भी देते हैं, एक मौका है 25 में, पुराना हिसाब बराबर कर दीजिए। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल GD पब्लिक स्कूल में। GD पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहां अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल हैं। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट्स, म्यूजिक डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन GD पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। GD पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।